Hello friends, welcome back to my channel. So today we will study what is tense and we will study about the different types of tenses here. So the first we will study what is the tense and what is the meaning of the sentence, then we can move to the next. Then first is the what is the tense. So tense is the time. What is the tense? Tense indicate the time of the action. Action when it goes on. फॉर एग्जाम्पल हम कुछ प्रेजेंट में कर रहे हैं तो दैट इज द टाइम ऑफ द प्रेजेंट, जो वो प्रेजेंट का टाइम है दैट इज द एक्शन दैट इज डूइंग इन द प्रेजेंट. वट अगर कुछ चीज जो पास्ट में हुई है फॉर एग्जाम्पल येस्टरडे तो दैट इज द पास्ट एक्शन, एंड फ्यूचर में वेन इट विल गोज ऑन तो दैट इज द फ्यूचर टेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वट इज द मीनिंग ऑफ द टेंस. तो हिंदी में टेंस को क्या बोलते हैं? काल. काल मीन्स द टाइम, जो है समय जो है दैट इज द मीनिंग ऑफ द टेंस. तो टेंस इट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ द एक्शन. वो किसको इंडिकेट करता है? टाइम ऑफ द एक्शन, कि हमारा जो एक्शन जो हम कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं वो किस टाइम पे हो रहा है. तो टेंस को पढ़ने से पहले वी शुड नो अबाउट द पर्सन्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वॉट इज द फर्स्ट पर्सन, वॉट इज द सेकेंड पर्सन एंड वॉट इज द थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा है दैट इज द फर्स्ट पर्सन. हु इज स्पीकिंग दैट इज द फर्स्ट पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन कौन से हो जाएंगे? आई और वी. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गर्ल, तो मैं बोल रही हूँ आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, तो दैट इज द फर्स्ट पर्सन बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एंड I am talking and I am speaking, so this is the first person. तो we, if I am saying we are going to market, हम जो लोग हैं वो सब कहाँ जा रहे हैं? मार्केट में. तो that is the first person also, because मैं जो हूँ वो सबकी बात कर रही हूँ, तो I am the speaker, तो so it is the first person. तो the second one is the you. You means तुम, और you जो है that is the singular one and that is the plural one. और फर्स्ट पर्सन में आई इज द सिंगुलर वन एंड वी जो है दैट वी आर यूज फॉर द सम पीपल्स के लिए, कुछ लोगों के लिए यूज करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट इज द वी इज द प्लूरल वन. तो सेकेंड पर्सन यू. फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक स्टूडेंट को खड़े कर रही हूँ कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवन्थ, कि आप जो हो वो सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट हो. तो एट दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन स्टूडेंट. तो वेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स, तो हियर आई एम यूजिंग द सेम वर्ड यू. तो ऑल ऑफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास, तो इट मीन्स जो यू बोला है वो मैंने प्लूरल के लिए भी सेम यूज किया है एंड सिंगुलर के लिए भी. और सेकेंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम जो हमारा लिसनर है दैट इज द सेकेंड पर्सन. एंड द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा, ही शी इट और किसी का भी नाम दैट इज द सिंगुलर पर्सन होंगे थर्ड पर्सन. जैसे ही जिसके बारे में हम वी आर टॉकिंग अबाउट टू समवन दैट इज द थर्ड पर्सन. फॉर एग्जाम्पल ही जो होगा वो थर्ड पर्सन क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ किसी से कि वो ऐसा था कि वो मेरा फ्रेंड है जो कि अभी बैंक में काम करता है या कहीं भी काम करता है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन, तो दैट इज द ही. मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ तो वो थर्ड पर्सन हो गया. ओके तो शी जो है वो दैट इज यूज्ड फॉर द फीमेल एंड ही इज यूज्ड फॉर द मेल. एंड इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम इट यूज करते हैं, और समटाइम्स हम एनिमल्स के लिए भी, जैसे डॉग इज अ पेट एनिमल, तो इट इज वेरी फेथफुल एनिमल. तो हम समटाइम्स हम एनिमल्स के लिए भी जो इट है, सॉरी जो इट है उसको यूज करते हैं. उसके बाद नेम, नेम किसी का भी नेम. फॉर एग्जाम्पल हम राहुल ले लेते हैं, प्रतिभा ले लेते हैं, मीनाक्षी ले लेते हैं, एवरी नेम जो भी आप सिंगुलर किसी का नाम लेना चाहते हैं दैट इज आल्सो द थर्ड पर्सन सिंगुलर में. अब थर्ड पर्सन प्लूरल में भी आएगा जब हम ज़्यादा लोगों की बात करेंगे, हम बोलेंगे कि वो सब ऐसे थे जब वो वहाँ जा रहे थे, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन. तो थर्ड पर्सन कौन हुआ? दे, प्लूरल फॉर्म में. तो दीज आर द पर्सन्स विच वी आर यूज्ड इन, विच वी आर यूजिंग इन द टेंसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट वट इज द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर प्लूरल. जो आपको पता चल गया कि सिंगुलर और प्लूरल क्या है. ओके तो
ये जो है ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपका हो गया। इसके बाद टेंसेस में इनका बहुत मेन रोल है, बिकॉज आप किस तरह से किस पर्सन को और किस वर्ब के साथ यूज कर रहे हैं, दैट इज द मेन पॉइंट इन द टेंसेस। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी हमें पता होना चाहिए व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब्स भी जो है वो बहुत ज्यादा यूज होती हैं आपके टेंसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं? अब हेल्पिंग वर्ब्स जो आप जैसे इज, सबसे पहले आप लिखो डू, डज, डिड, विल और शैल। ओके, देन नेक्स्ट इज, एम, आर, वॉज और वर। फिर हैज, हैव, हैड। दीज आर द मेन हेल्पिंग वर्ब्स। ये जो आपकी हैं इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आप टेंसेस पढ़ने के दौरान यूज करेंगे। किस तरीके से ये आप सेंटेंसेस कोई भी बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू स्कूल, तो हेयर एम इज द हेल्पिंग वर्ब जो हम कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस की सेंस को वो बनाया जा रहा है, तो हम एम यूज कर रहे हैं। जैसे ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, तो इज हम उस जगह पे यूज कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इनका अलग अलग यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ये जो सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये आपके प्रेजेंट में यूज होते हैं। जब हम आप आगे आपके टेंसेस पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कौन से प्रेजेंट में आपके हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं, कौन से पास्ट में होते हैं और कौन से आपके फ्यूचर में होते हैं। ये आपके दोनों प्रेजेंट इनडेफिनेट में होते हैं, ये पास्ट इनडेफिनेट में और ये फ्यूचर इनडेफिनेट में। मतलब सिंपल सेंटेंसेस में जो है हर सेंटेंस के आगे फोर फोर टाइप्स है, वो जब हम फर्दर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डू और डज, ये आपका सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। डिड आपका पास्ट में, सिंपल पास्ट में, और विल और शैल सिंपल फ्यूचर में यूज होता है। देन इज एम आपका प्रेजेंट कंटिन्यू में यूज होता है। इज एम आर और वॉज वर आपका जो है दैट इज यूज इन द पास्ट कंटिन्यूज में, और विल, वी और शैल वी ये आपका प्रेजेंट और फ्यूचर कंटिन्यू में यूज होता है। एंड द थर्ड वन इज हैज और हैव आपका ये जो यूज होता है दैट इज यूज इन द पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, और हैड जो यूज होता है दैट इज यूज इन द पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो दीज आर द मेन हेल्पिंग वर्ब्स। सो स्टूडेंट्स टूडे वी विल, सो गाइज टूडे वी विल स्टडी द फर्स्ट टेंस, दैट इज द प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ऑल टेंसेज हैव द फोर फोर टाइप्स। सेम जैसे पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, इन सबकी भी आपकी फोर फोर टाइप्स हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, तो इसके आगे भी आपकी फोर टाइप्स हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट होगा, जिसको आप प्रेजेंट इनडेफिनेट भी कहते हैं। सेकेंड वन इज द प्रेजेंट कंटिन्यू होगा। थर्ड वन आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा। एंड फोर्थ वन आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होगा। तो सो वन बाय वन वी विल डिस्कस द वन वन सेंटेंसेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टूडे वी विल डिस्कस ओनली द फर्स्ट वन, दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इनडेफिनिट भी आप इसको बोलते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट में मैंने आपको, प्रेजेंट से आपको पता चल रहा होगा द एक्शन दैट वी आर डूइंग इन द प्रेजेंट सिचुएशन,
जो हम अभी के सिचुएशन में जो भी टेंस हो रहा है जब हुआ है जो हम डेली हैबिट करते हैं दैट इंक्लूड्स अंडर द सिंपल प्रेजेंट. तो सिंपल प्रेजेंट के अंदर आपका क्या आता है, जैसे मैं बाकी वाले रब कर रही हूँ क्योंकि आज हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट ही पढ़ेंगे. ओके, सिंपल प्रेजेंट में आपका देखिए सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट जो टेंस होगा इसमें क्या चीजें आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हैबिचुअल एक्शन, जो भी आप अपनी हैबिट्स डेली परफॉर्म करते हैं वो हैबिचुअल एक्शंस एंड डेली एक्शंस. ओके, ये क्या है हैबिचुअल एक्शंस एंड डेली एक्शंस. हैबिचुअल एक्शंस होंगे जैसे कि आप जो आपकी हैबिट्स होगी जो आप डेली ही परफॉर्म करते हैं, और डेली एक्शंस जो आप रेगुलरली अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल वी टेक बाथ डेली, हम डेली ही नहाते हैं, तो दैट इज यूर द डेली एक्शन जो आप डेली ही परफॉर्म करते हैं, आप डेली ही नहाते हैं, तो दिस इंक्लूड्स अंडर द सिंपल प्रेजेंट क्योंकि ये आपका हैबिचुअल एक्शन है. और जो भी आपका डेली एक्शन होता है या हैबिचुअल एक्शन होता है दैट इज द दैट केम अंडर द सिंपल प्रेजेंट. एंड आपका हैबिचुअल एक्शन कैसे हो गया, जैसे आई गो फॉर वॉक एवरी डे, जैसे मैं डेली ही वॉक पे जाता हूं या जाती हूं. अब इन सेंटेंसेस में आपको सिंपल प्रेजेंट में कैसे चलेगा, जैसे एंड में आता है ना जाता हूं खाता हूं पीता हूं नहाता हूं, ता की साउंड या ती की साउंड जब आती है दैट इंक्लूड्स अंडर द सिंपल प्रेजेंट साउंड सेंटेंस. तो आपका हैबिचुअल एक्शन हो गया जो सिंपल प्रेजेंट में आता है, देन डेली एक्शन हो गया जो आपके सिंपल प्रेजेंट में आता है. जैसे वी ईट मील डेली, हम डेली ही मील खाते हैं, जो भी खाते हैं, जब वी ईट ओट्स डेली, मैं डेली ही ओट्स खाते हैं, हम डेली जो हमारे फैमिली वाले हैं वो डेली ही ओट्स खाते हैं, तो दैट इज द हैबिचुअल एक्शन कि आप डेली ही आपकी ये हैबिट है कि आप वही ब्रेकफास्ट लेते हैं. देन द सेकेंड वन इज द जनरल ट्रूथ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ. जनरल ट्रूथ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ. जनरल ट्रूथ जैसे आपका यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे होगा, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो आपके कहाँ अराउंड कर रही है, सन के मूव करती है सन के अराउंड, तो दैट इज यूर द यूनिवर्सल ट्रूथ. ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में जो है वो सन मून जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है और अमेरिका में नहीं करती, दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. एवरीवेयर एवरी प्लेस जहाँ भी होगा वो आपका सन आपकी जो अर्थ है वो ऐसे ही मूव करती है. ओके, तो दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. तो आपका क्या आएगा द अर्थ, हम मूव्स लिखेंगे, क्यों, बिकॉज अर्थ को हमने एज ए सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो अर्थ का आज आपके जिस भी सिंगुलर के साथ होता है, जैसे ही शी इट मैंने आपको थर्ड पर्सन में बताया था, तो ही शी इट के साथ आपका एस या ई एस लगता है वर्ब की फॉर्म के साथ, वो अकॉर्डिंग टू देखा जाता है कि किस वर्ब के साथ आपका एस आता है और किसके साथ ई एस आता है. ओके, तो अर्थ के साथ हम मूव के साथ एस लगाएंगे, तो दैट इज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, सो इट आल्सो कम अंडर द सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब जनरल ट्रूथ आपका कैसे हो गया, जैसे जनरल ट्रूथ आप बोलते हैं उसमें आप बोलते हैं कि जनरल ट्रूथ में भी यही आ गया, यूनिवर्सल ट्रूथ भी यही हो गया, जो सब जगह सेम है. अब आप बोलोगे 2+2=4 होता है, तो 2+2 हमारे यहाँ पे हमारे इंडिया में भी 4 ही होता है, आप बाहर चले जाएंगे 2+2=4 ही होता है, उसकी काउंटिंग में ये 4 ही आता है, 2 और 2 = 4 होते हैं, तो दैट इज द जनरल ट्रूथ आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया. ओके, एंड द थर्ड वन इज द एंड थर्ड वन इज द
प्रेजेंट ट्रूथ जो आपका होता है, जो आप प्रेजेंट का ट्रूथ है. फॉर एग्जांपल मैं लिखूं आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिस इज द प्रेजेंट ट्रूथ बिकॉज प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रही हूँ, तो दिस इज द प्रेजेंट ट्रूथ. ओके, जो भी आप प्रेजेंट में चीजें करें, फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, अभी मैं एक टीचर हूँ, तो दैट इज आल्सो द प्रेजेंट ट्रूथ. तो हम ये सब चीजें जो हैं दैट विल इंक्लूड अंडर द सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस के अंदर फोर टाइप्स के टेंसेज आते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके, तो आज हमने सिर्फ एक ही डिस्कस किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होता है जो हमारी डेली एक्शंस के बारे में और हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताता है. फॉर एग्जांपल सॉरी, वी टेक बाथ डेली, हम डेली ही नहाते हैं, दैट इज आवर द डेली एक्शन. वी गो फॉर वॉक एवरी डे, ये हमारी हैबिट है, डेली एक्शन है कि हम डेली ही वॉक पे जाते हैं, तो दैट इज द हैबिचुअल एक्शन. इस तरह के जो भी सेंटेंसेज होंगे वो आपके सिंपल प्रेजेंट में आएंगे. देन जनरल ट्रूथ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ में जो सच्चाई है जो सभी जगह पे सेम ही है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ मूव्स अराउंड द अर्थ, सन, अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है, तो वो एवरीवेयर सेम ही है. ऐसा नहीं है कि इंडिया में घूम रही है या बाहर नहीं घूम रही है, तो दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट इज द सेम एट एवरी प्लेस. एंड द थर्ड वन इज द प्रेजेंट ट्रूथ, जो प्रेजेंटली हम ट्रूथ जो भी है प्रेजेंट की बात करते हैं, जो भी ट्रूथ अभी हम जो भी कर रहे हैं दैट विल इंक्लूड अंडर द सिंपल प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन दिल्ली, आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल में जाती हूँ, दैट इज ऑल्सो द प्रेजेंट ट्रूथ एंड डेली हैबिट बिकॉज यू आर गोइंग टू स्कूल डेली. तो दिस इज द दीज ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द सिंपल प्रेजेंट टेंस. और एक चीज और जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे आपको पता है, जैसे मैं लिख रही हूँ एक मिनट, जैसे पहले मैंने लिखा था आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, इट मीन्स इट इज ऑल्सो कम अंडर द सिंपल प्रेजेंट. क्यों? क्योंकि मैं स्कूल जाता हूँ, वो डेली ही हो रहा है. द नेक्स्ट वन इज द आई गो टू स्कूल हो गया, ये डेली की वो है. फिर उसके बाद आपका आ गया कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये डेली. अब अगर मैं यहाँ पे ही या शी लगा रही हूँ, ही या शी जो भी है, इसके साथ आपका क्या आएगा? गोज टू स्कूल. अब इसके साथ क्यों गोज आया? क्योंकि ही और शी आपके जो हैं दैट आर द थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और मैंने आपको पहले भी बताया जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे उनके साथ आपका SEM ES आएगा, लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल दे है उसके साथ सेम ही गो लगेगा, दे गो टू स्कूल डेली. बट ही शी इट या किसी का नाम, मे बी यहाँ पे आप राहुल लिख लीजिए, निशा लिख लीजिए, किसी का भी नाम लिख लीजिए, वो उसके आगे आपका ES आएगा ही आएगा. सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.